सबकी देख ला रहा हूँ, फलाने की कोथल जाएगी, ढकड़े की कोथल जाएगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे भी आप सब मेरे हिसाब से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी भाई नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ मैं, क्योंकि मीनू कह रही थी भाई मंदिर में जाना है। और तो गाइस चलो एक बार मंदिर में चलेंगे भोले बाबा के पास। तो चलो नीचे चलते हैं, देखता हूँ मीनू तैयार हो ली कि नहीं हो ली है, फिर उसके बाद मंदिर में चलेंगे। और भाई उसके नबी का भी भाई कई दिन तक इनकी नबी की शनाया की छुट्टी हो रही है, क्योंकि नबी के स्कूल में और शनाया के स्कूल में पानी भर रहा है, तो इसकी इसलिए छुट्टी करा कि इनके स्कूल के पास तो नहर जावे, नहर टूट गई तो स्कूल में सारा पानी आ रहा है, तो इसलिए इनकी छुट्टी हो रही है। तो इसके भी कई दिन तक फरड़ो लाग रही है भाई। तो चलो कहीं नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं, मीनू की तैयारी होगी या नहीं होगी मंदिर की, और उसके बाद फिर मंदिर में चलते हैं। तो मीनू की तैयारी हो चुकी है गाइज। हाँ हाँ चलो चलो, बादले बादले छड़े छड़े। तो आप पहुंच गए भाई मंदिर के बाहर, और मंदिर की कुंडी खोली भाई मीनू ने, और मीनू ने सिंजे पहले मंदिर के कोड़े, दोनों पानी से कोड़े सिंजे मंदिर के। तो मंदिर में पहुंचने के बाद भाई सबसे पहले मीनू ने उठाया भाई दूध, दूध चढ़ाया शिव शंकर भगवान पे प्रसन्न करने के लिए, दूध अर्पित किया। और भाई उसके बाद फिर मीनू ने उठाया भाई जल का लोटा, फिर भाई जल का लोटा भाई शिव परिवार में मतलब भगवान शिव के कुंडे पे, कुंडा भी राजी करना जरूरी है, तो पहले कुंडा नवाया, फिर शिव शंकर भोले भंडारी नवाई भाई, सारा कुंडा राजी कर दिया भाई भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ाया। तो जल चढ़ा गए, उसके बाद भाई मीनू ने फल फ्रूट चढ़ाया भाई भगवान जी पे, थोड़ा सा बैलेंस बना कर जचाने पड़े केले भाई। तो यहाँ तो फ्री होकर भाई फिर तिलक विलक लगाने की तैयारी कर दी। तो मैं बोला भाई मीनू तो माँ एक बार पहले ज्योत बत्ती लगा ले भाई, तो मीनू ने मना कर दिया ज्योत लगाने से, क्योंकि भाई ज्योत मैंने थोड़ी देर पहले लगा दी थी, तो मीनू बोली भाई दो बार ज्योत नहीं लगा करती, तो मीनू ने कर दी भाई तिलक लगाने की अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, और मन ने भी तिलक लगवा लिया भाई फिर। और उसके बाद फिर मीनू ने लिया माथा टेक का आशीर्वाद लिया भाई भगवान जी पे और माता शेरा वाली पे, और फिर भाई मीनू ने लगाया अड़े 3-4 चक्कर लगाए इसके, परिक्रमा करी, और फिर हो गया हमारे फ्री। आज स्कूल नहीं गए, नवी की शनाया की हो रही है मौज, इनके स्कूल में भर रहा ठंडा पानी, तो इनकी हो रही स्कूल की छुट्टी। तो यू मेरे हिसाब से लास्ट स्टेप हो रहा है कदम मीनू का, अगर भाई सूर्य भगवान का पानी देना है, मैं चलो यो भी काम करना जरूरी है। तो भाई मीनू ने भाई वो ला कराया, और उसके बाद भाई फिर अपना लोटा भर के और सूर्य भगवान को पानी दे दिया। चलो भाई अच्छी बात है, नवी लाग रहा भाई डमरू खेल खेलन, ये डमरू आया था इसका हरिद्वार से। गाइस मंदिर में तो वापस हो गया भाई हम, मंदिर में भाई भगवान शिव शंकर के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि भाई सावन का महीना चल रहा है, तो ये नहीं भाई ख़त्म हो गया, तो थोड़ी सी आस्थिक है मीनू भी, मतलब उसके अंदर भी थोड़ी आस्था है मंदिर के प्रति। तो गाइस वहाँ जा गए थे हम खाली पेट, अभी तक कोई चाय वाय नहीं पी थी, तो गाइस अब भी एक बार खाना वाना खा लेते हैं। और मम्मी ने भाई तिलक भी टेढ़ा कर रखा है मेरे, सेंटर में नहीं है, बीच में होना चाहिए, साइड में कर रखा है, कोई बात नहीं। तो गाइस चलो एक बार चाय खाना ले लेते, गाइस दही लस्सी सब्जी और दो चपाती। तो गाइस मैंने खाना वाना हो चुका है अभी मेरा, तो अभी अपनी पेट पूजा हो चुकी है। अरे मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, तो फिर मैं साफ करना पड़ेगा। कैसे करोगे? मैं उस पियोन की तरह।
कैसे करोगे दिखाओ? परफ्यूम की तरह। परफ्यूम? हाँ। कैसे? ऐसे करके दिखाऊंगा। परफ्यूम नहीं तो भी फ्यूम क्या है? अरे नहीं ऐसे थोड़ी करते हैं। दूर करूंगा तुम्हारे से। ना बेटा ऐसे नहीं करती, ऐसे वेस्ट हो जाए, वेस्ट नहीं करते इसको। अच्छा रख दो इसको वापस। है? वापस रख दो वहीं पे। बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा तो है, वो तो मैंने देख लिया। पर तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो मैंने देख लिया बेटा, इसके अंदर बहुत ज्यादा है, पर इसने वेस्ट वेस्ट कर रहे हो आप तो इसको। अच्छा हाँ इसको वेस्ट नहीं करते। परफ्यूम? हाँ हाँ परफ्यूम है ये। हाँ बहुत बड़ा लगा है, पर इसकी ना कैप बंद करो और इसको वापस रखो, ऐसे वेस्ट नहीं करते इसको। कपड़े अपने कपड़े पर लगा लो। अभी नहीं लगाना, बाद में लगाना बेटा, अभी तो इसको रख दो। जब नहाया करे? हाँ नहाने के बाद फिर लगाते हैं इसको। पहले तो मैं नहाऊंगा। हाँ फिर जब नहाओगे ना, जब लगाना है। पहले नहाऊंगा मैं। अभी नहीं नहाना बेटा। अभी आप नहाओगे? ना 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 कल नहाना है, कल सुबह नहाना। सुबह ठीक है। पर तो इससे कमरा तो साफ कर दो। अरे कमरा साफ ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो ये खराब वेस्ट होता है। वो तो ना इसे फ्यूम से इतना करता हूँ और पर गया। अभी इसको इसमें रख दो। हाँ रख दो इसको अभी। पर कार भी पर गई थी, मैंने कार की फ्यूम कार का ना यार फ्यूम फ्यूम लगा दिया था। हाँ इसको भी रख दो। देखो यार क्या लगा दिया था कार को? कार ना अपने नए कपड़े पहन लिए। कार को क्या लगाया था? फ्यूम। तो गाइस नवी को देखो भाई, इसने ना मैं तो आया ऊपर, मैंने देखा भाई महानवी क्या कर ला रहा है। नवी भाई परफ्यूम ले गए, उसने सारे कमरे में परफ्यूम परफ्यूम लगा दिया है। महानवी क्या कर रहे थे? बोला मैं तो ना कमरे को ना साफ कर रहा था, इसलिए मैं परफ्यूम मार रहा हूँ। देख लो भाई इसकी हरकत कैसी कैसी हरकत करता है, पूरे कमरे में ढूंढा ठारा है इसने परफ्यूम का, मतलब पूरी कार्रवाई रच दे अभी पाछे दे। यह कार अपने घर से ना नए कपड़े पहन के आई है। नए कपड़े पहन के आई है। हाँ तो लगा दो इसके कपड़े पे। है इसके कपड़े पे फ्यूम लगा दो। तो देख लो गाइस ये बोल रहा है कार ना नए कपड़े पहन के आई है और इसको ना फ्यूम लगा दूं, परफ्यूम नहीं वो फ्यूम बोल रहा है फ्यूम लगा दूं। तो नहीं बेटा इसको फ्यूम नहीं लगाना, इसको रख दो अभी ऐसे ही। ये इसके पहिए ना मिट्टी में धंसे हुए हैं और इसके तो साफ करने पड़ेंगे, इससे साफ हो जाता है इसके इसके पहिए। देखो अरे नहीं रख दो बेटा इसको, वेस्ट कर रहे हो आप, मान जाओ मेरी बात। लो भाई नवी आज परफ्यूम का पेंडा नहीं छोड़ रहा गति, ठीक है बहाने टोल लाग रहा है यार इस परफ्यूम ना, आज नमटा का मानेगा सारे ने, मैंने देख लिया इसका, क्योंकि कदे ना कार के पहिया मारूंगा, कार के पहिया मिट्टी लाग रही है भाई, आज इसने मन लाग है इस परफ्यूम का खलास कर का मानेगा इसने परफ्यूम ने। मैंने मीनू तो एक बात पूछनी थी भाई, अब भाई इतनी इसकी कोथली नहीं आई, मैं सब की देख लाग रहा हूँ, फलाने कोथली आगी ढकड़े की कोथली आगी, पर मैं बात देख ला रही थी मारी कोथली क्यों ना आई थी, कित रह गई के जी? मैंने पूछो कोथली कित रह गई मेरी कोथली? हाँ। एक जब पे मत आई फिर मैं, और फिर मैं तेनु बात देख रहा था ना भाई, वो मैं के मैं खान पीन ने आवे कोथली में गूंद खान लाग रहे रोज है, गूंद खान लाग रहे रोज, तो फिर गूंद गूंद तो भाई जापे का था, वो कोथली का थोड़ी था। जापे का कार फिर गेहूं भी तो लेकर आई थी 2 किलो, कोथली के ले तो बहन दी थी भूल गए। मेरे तो गूंद गूंद याद था, कोथली तो याद ना रही थी, गेहूं तो याद ना रहा था।
मतलब तेरी तो कोथड़ी आई फिर और तो मैं पिछले संडे में तो आई नहीं मैं खाम का ये बात देखने लग रहा हूं और थाम सही भाई कुछ खाने का जी कर रहा था जाती कोथड़ी याद आई के खाने जी कर रहा था लियाओ मीठा खाने का घेवर ले आयो कर ले ये तो आप पिलाना पड़ेगा कोथड़ी दतरी आई कोथड़ी आ गई थी नो क्या तक ले आए थे रे हां ठीक है आ गया आदित्य तो नो कर फिर और नहीं देखे मैं और के मैं लिया खाना नीचे दे के मीठा हाँ मीठा लिया कुछ खाने पीने का ठीक है ले तो गाइस हमारा भी खाना वाना तो हो चुका है हमने कर दी प्लेट खाली ये देखो तो अभी तू भी नो कर ये बर्तन खाली हो गए हैं प्लेट व्लेट इन्हें दरिया नीचे थोड़ी हल्ले हला लिया इन्हें शरीर ने थोड़ा और हल्दी नहीं जी मैं हाँ अलग ही जब तक मैं वेट कम होगा नू बैठे बैठे वेट कम थोड़ी होगा ला भाई चाल पड़ी है मुंह चढ़ा लिया है बिना क्यों वेट घटाने का नाम लेंदे तब मुंह चढ़ जाए है यह बात तो आपने सुनी होगी सारे ने अब मोटे ने मोटा कह देना उसका चो उठा रहा है वो एक काम हो रहा है देख लो भाई ये बाहर गई है अरे देख लो मुंह चढ़े पाछे कर रहा आदमी सी सी बात ये मुंह चढ़ रहा है जबरदस्ती सी सी बात कर ला रही है तो कोई बात ना मीनू वाली है चलो देखा है एक बार ये भी न्यू मुंह चढ़ रहा है कि थैंक यू बेटा ये भी मुंह चढ़ है गूंद खा ले ये भी मुंह चढ़ रहा है कि ना मेरा क्यों मुंह चढ़ रहा है मैं मोटे आदमी ने मोटा कह चढ़ जा रहा मुंह बोला करो मेरी मम्मी ने क्या था भाई ऐसा की बात होगी मेरी मम्मी पतली होगी ये पतली होगी हाँ अच्छा तने तो बहुत मेरा ही अपनी मम्मी की है अरना सारी की सारी रोटी ना गले में तो पेट में जाली फट गई अच्छा सारी की सारी रोटी गले में तो पेट में जाली तेरा तेरी मम्मी का है मेरा तो पतला पेट हो रहा है मेरा तो मोटा पेट हो जाऊंगा गाइस तो गाइस दूध आ गया भाई अपना अरे भाई जा पे गूंद आ गया चल लो वीडियो बनावे जी हां ये मत तो पतला कह दो आपका मुंह चढ़ जाएगा ना मैं तो पतला हूं मेरा क्यों मुंह चढ़ेगा फिर आप मेरे कहते को मुंह चढ़ा रहे हैं मां मोटे ने मोटा कह दे मुंह नहीं चढ़ जा रहे मुंह पतले ने पतला कह दे मैं थोड़ी मुंह चढ़ा कर रहे हैं पतला ने पतला कहते जब मुंह ना चढ़ा रहा मोटे ने मोटा कहते ना जब तो कौन से डाल दी मुंह मैं मोटी हूं तो मोटी हूं ए ठीक है तो चलो वीडियो बनाऊंगे चलो वीडियो बनाऊंगे तो गाइस मैं भाई दूध पी लेता हूं और गूंद खा लेता हूं जापेगा थंबनेल भी खाना हो तो बता दो अरे भाई खत्म हो लिया लास्ट खत्म भी हो लिया आज का आज कर रहा था लास्ट कटोरी दे अपनी ससुराल और भेज देंगे आपका हां ससुराल में फोन करना पड़ेगा भाई और भेज दो तो गाइस चलो भाई अभी मैं इस व्लॉग का कर रहा हूं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूं आपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय।